जनपद में बुधवार को 44 संवेदनशील गांवों में पुलिस चौपाल लगाया जाएगा, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद में बुधवार को 44 गांवों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाएगा तथा अब थाना क्षेत्र के संवेदनशील गांव में पुलिस चौपाल लगेगा तथा रजिस्टर नंबर 8 की भी समीक्षा की जाएगी और वहाँ के लोगों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि गाँव में चुनाव की पुरानी रंजिश रही है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है या सब कार्रवाई चौपाल के समय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को राजपत्रित अधिकारी थाना क्षेत्रों के संवेदनशील गांव में जाएंगे और जनता की फरियाद सुनेंगे। उन्होंने कहा पुलिस चौपाल बहुत कारगर साबित हो रहा है क्योंकि राजपत्रित अधिकारी गाँव में जाकर सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा देखिए चौपाल का जो आयोजन है वो अब पिछले हफ्ते 1 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ था और चुनाव के परिदृश्य से किया जा रहा है इसमें, और इसमें गांव-गांव में चौपाल लग रही है, वहां के जो रजिस्टर नंबर 8 है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, वहां के लोगों से बातचीत की जा रही है। अगर कोई पुराने चुनावी रंजिश रही है या कोई विवाद की स्थिति रही है तो उन सबके लिए निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग चौपाल के वक्त कर रहे हैं और कल भी ये एक्सपेक्टेड है कि 1 से 5 बजे के बीच में चौपाल होगा और सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण अलग अलग चौपालों में लोगों से वार्ता करेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे। कितना कारगर साबित हो रहा है ये? काफ़ी कारगर साबित हो रहा है क्योंकि पहले हम लोग थाने स्तर पर चौपाल लगाते थे, बट अब हम लोग क्योंकि गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोगों से सीधे हमारी बात हो रही है, मोहल्ला लेवल पर कमेटी से मीटिंग हो रही है तो उससे ज़्यादा हमें पब्लिक के पास पहुँचने का मौका मिल रहा है, पब्लिक को भी हम तक आने का मौका मिल जाता है इससे।